हेलो, वेलकम टू लेट्स कैम। तो आज हमने क्या पढ़ेंगे, कलर एंड इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा। ठीक है, कैसे कैसे हमारा क्या होता है, किसी कॉम्प्लेक्स में इंटेंसिटी ज़्यादा होती है कलर की, किसी में इंटेंसिटी क्या होती है कम होती है, तो किस बेसिस पे ऐसा होता है, तो वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं, इसके लिए दो रूल होते हैं हमारे पास। सबसे पहले होता है लैपोर्टे सेलेक्शन रूल, एक होता है हमारे पास क्या, लैपोर्टे सेलेक्शन रूल। ठीक है, तो लैपोर्टे सेलेक्शन रूल क्या होता है हमारे पास, इसको देखते हैं हम। तो लैपोर्टे सेलेक्शन रूल ये कहता है हमारे पास, जो डेल एल की वैल्यू होनी चाहिए हमारे पास, वो प्लस माइनस वन होनी चाहिए। जो डेल एल होना चाहिए प्लस माइनस वन होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे आपको पता है एस पी डी एफ, एस के लिए एल की वैल्यू होती है 0, इसके लिए 1, 2, इसके लिए होती है 3 होती है। ठीक है, तो अगर मैं एम एन की बात करूँ, एम एन टू पॉजिटिव की बात करूँ, या एम एन एच टू ओ सिक्स, एम एन एच टू ओ का होल सिक्स, टू पॉजिटिव, इसकी बात करूँ मैं अगर। ठीक है, तो यहाँ पे एम एन के पास क्या है, टू टू पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, टू पॉजिटिव और 3d5 फोर एच टू होता है, तो दो दो चले गए, बचा क्या हमारे पास, 3d5 बचा हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, कि हो गया 1 2 3 4 और 5। ठीक है, तो 1 2 3, 3 पॉजिटिव कर दें अगर, इसमें क्या कर दें हम, 3 पॉजिटिव कर दें, तो 3d पे क्या आ जाएगा हमारा 4। ये हमें सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, ऐसा हमने कैसे भी कर सकते हैं, अगर ये 3 पॉजिटिव में एग्जिस्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है यहाँ पे। ठीक है, ये मैंने अपने हिसाब से कोई एक एग्जाम्पल लिया, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये हमने क्या लिया, 3 पॉजिटिव लिया हमने, ये ध्यान रखना है। ठीक है, 3 पॉजिटिव का मतलब क्या होगा हमारे पास, ये 3d में कितने आएंगे, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो 1 2 3 4। इतनी बात आपको समझ में आई। ठीक है, या 3d5 भी ले सकते हैं, इसकी कोई दिक्कत नहीं है, 3d2 पॉजिटिव भी ले लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है हमें। ठीक है, सबसे पहले क्योंकि हमें लैपोर्टे पढ़ना है। ठीक, तो ये हो गया हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रांजिशन कैसे होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन जाएगा यहाँ, ये वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, तो ट्रांजिशन के बाद ये वाला इलेक्ट्रॉन चले गया हमारा क्या, ट्रांजिशन के बाद ये वाला इलेक्ट्रॉन चले गया हमारा, ये वाला इलेक्ट्रॉन चले गया, इधर चले गया। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रांजिशन क्या हो, ये भी डी ऑर्बिटल था, टी टू जी था, ये था हमारा ई जी, तो दोनों डी ऑर्बिटल तो हैं, तो डी से डी में ट्रांजिशन हुआ यहाँ पे, तो इसको बोलते हैं डी डी ट्रांजिशन। ठीक है, तो डी से डी में ट्रांजिशन हुआ, तो हमारे पास यहाँ पे एल की वैल्यू, यहाँ पे भी कितनी 2, यहाँ पे भी एल की वैल्यू थी 2, तो 2 - 2 कितना हो गया 0, तो यहाँ पे डेल एल की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ पे 0 आ रही है, जबकि होनी कितनी चाहिए माइनस प्लस माइनस 1 होनी चाहिए, तो डेल एल की वैल्यू 0 आने की वजह से क्या होता है, लैपोर्टे फॉरबिडन होता है ये, तो इसी वजह से इसकी इंटेंसिटी, कलर की इंटेंसिटी क्या होती है, कम हो जाती है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो अगर कोई चीज़ लैपोर्टे अलाउड हो, मतलब अगर ट्रांजिशन हो एस के, एस की और पी के साथ, पी की डी के साथ, मतलब डेल एल की वैल्यू प्लस माइनस वन आए, तो वही चीज़ हमारी क्या होती है, लैपोर्टे अलाउड होती है, वहीं पर इंटेंसिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इसमें कुछ रिलैक्सेशन होता है, तो हमने पढ़ना है रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन इन लैपोर्टे सिलेक्शन रूल, इन लैपोर्टे सेलेक्शन रूल। ठीक है, तो हमने क्या करना है, रिलैक्सेशन इन लैपोर्टे सेलेक्शन रूल, या हम पढ़ते हैं लैपोर्टे पार्टली अलाउड भी बोलते हैं इसको हम। ठीक है, तो अगर हमारे पास क्या है, यहाँ पे एम एन एच टू ओ सिक्स, अगर हम एम एन एच टू ओ सिक्स बनाए हम यहाँ पे, तो एम एन एच टू ओ सिक्स होता है हमारे पास क्या, ऑक्टाहेड्रल है, तो ये होगा एच टू ओ, एच टू ओ, एच टू ओ और एच टू, ऐसा होगा हमारे पास, ऑक्टाहेड्रल है। तो ठीक है, तो इसमें भी देखते हैं हम सेंटर ऑफ सिमेट्री, इसमें क्या देखते हैं हम, सिमेट्री देखते हैं, कौन सी, सेंटर ऑफ सिमेट्री, तो इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है। सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होती है, अगर हम ठीक बीच में कोई दो दो आदमी रख दें, दो आदमी रख दें, उनको अपोजिट चलना है, क्या चलना है, अपोजिट डायरेक्शन में चलना है। ठीक है, ये आएगा नीचे, ये वाला जाएगा ऊपर, तो नीचे भी उसको एच टू मिल रहा है, ऊपर वाले को एच टू मिल रहा है, ये जाएगा इधर, ये जाएगा इधर, एक ये जाएगा इधर, ये जाएगा इधर, तो हर उसमें क्या हो रहा है, अपोजिट जा रहे हैं, तो सेम चीज मिल रहा है हमारे पास, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री इसमें है। ठीक है, तो इस वजह से अगर हम इसकी सेंटर ऑफ सिमेट्री को बिगाड़ दें, मतलब एक एच टू की जगह अगर हम क्या लिख दें, सी एल लिख दें यहाँ पे, सी एल, तो यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री इसकी क्या होती है, बिगड़ जाती है, तो जिसकी वजह से ये क्या होता है, लैपोर्टे अलाउड बन सकता है, इसको बोलते हैं लैपोर्टे पार्टली अलाउड, तो ये होता है हमारे पास क्या, लैपोर्टे पार्टली अलाउड, या पार्टली अलाउड बोलते हैं हम इसको। ठीक है, तो ये होता है लैपोर्टे पार्टली अलाउड होता है हमारे पास। ठीक है, तो इसकी हमने सिमेट्री बिगाड़ दी, जिसके वजह से लैपोर्टे पार्टली अलाउड हो जाएगा, जिसके वजह से इसकी थोड़ा कलर की इंटेंसिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, इतनी बात आ गई आपको समझ में। तो अगर मैं बात करूँ एम एन एच टू ओ होल सिक्स, इसकी बात करूँ, और अगर मैं इसकी बात करूँ एम एन एच टू ओ का होल सिक्स और सी एल, इन दोनों में बात करूँ अगर मैं, तो हमारी किसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, क्यों, क्योंकि लैपोर्टे पार्टली अलाउड है और ये लैपोर्टे फॉरबिडन है हमारे पास। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, सेकेंड रूल होता है हमारे पास क्या, स्पिन सेलेक्शन रूल, सेकेंड रूल क्या होता है हमारे पास, स्पिन सेलेक्शन रूल। ठीक है, तो इसको भी हम अच्छे से देखेंगे कि स्पिन सेलेक्शन रूल हमारे पास है क्या आखिरकार। तो अब आता है हमारे पास
स्पिन सेलेक्शन रूल, ठीक है। तो स्पिन सेलेक्शन रूल क्या होता है हमारे पास, तो ये बोलता है कि जो डेल एस होता है स्पिन होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, जीरो। स्पिन का जो डिफरेंस होना चाहिए वो जीरो होना चाहिए हमारे पास, ठीक है। तो अगर मैं किसकी बात इसमें बात करूँ, किसमें MnCl MnH2O का होल सिक्स, इसमें बात करूँ MnH2O का होल सिक्स टू पॉजिटिव, इसमें बात करूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है Mn टू पॉजिटिव में, यहाँ पे क्या है Mn कितने में टू पॉजिटिव में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, वन टू थ्री फोर फाइव, ये हमारे इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं हमारे पास, ठीक है। क्योंकि एम एन टू पॉजिटिव में थ्री डी फाइव होता है, फोर एस में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, यहाँ से यहाँ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन चले गया, इसके बाद जैसे ट्रांजिशन हुआ हमारे पास तो इलेक्ट्रॉन चले गया, ये हमारा पहले से था, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गया तो इलेक्ट्रॉन गया हमारे पास ऐसे। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बिल्कुल ऐसे में नहीं रह सकता, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ऐसे में पहले से है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन आएगा उसकी स्पिन चेंज होगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्पिन थी इसकी भी हाफ 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 सबकी हाफ है, तो कितने हमारे पाँच, तो फाइव बाई टू, ठीक है। इसमें स्पिन कितनी होगी, एक दो तीन चार की तो हाफ है तो फोर बाई टू, और एक की है माइनस हाफ तो फोर बाई टू माइनस हाफ, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे थ्री बाई टू। तो यहाँ पे फाइव बाई टू है स्पिन, यहाँ पे थ्री बाई टू स्पिन। तो डेल एस अगर निकालेंगे हम तो डेल एस क्या होगा थ्री बाई टू माइनस फाइव बाई टू, तो जो कि हमारा डेल एस क्या होगा जीरो के इक्वल हमारा नहीं आएगा, डेल एस जीरो के इक्वल नहीं आएगा। इसी वजह से ये वाला जो ट्रांजिशन होगा वो क्या होगा स्पिन फॉरविडन होगा, ये वाला ट्रांजिशन क्या होगा हमारा स्पिन फॉरविडन होगा, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। अगर कोई ट्रांजिशन ऐसा है, अगर हमारे पास क्या है, अगर कोई ट्रांजिशन ऐसा है, अगर मैं बात करूँ वन टू थ्री, सिर्फ इतना ही है इसमें, या सिर्फ टू हैं, कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन हो रहा है हमारे पास, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, जब ट्रांजिशन होगा तो ये इलेक्ट्रॉन कैसे जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन चल जाएगा हमारा, ये एक ऐसे रहेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन चल जाएगा ऊपर। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो स्पिन थी हाफ हाफ कितनी थी टू बाई टू, हाफ प्लस हाफ मतलब वन, ठीक है। यहाँ पे जो स्पिन है इसकी भी हाफ है, इसकी भी हाफ है, तो इसमें भी स्पिन कितनी है वन, तो यहाँ पे जो स्पिन का डिफरेंस है वो कितना है जीरो। तो ये वाला क्या होगा स्पिन अलाउड होगा, ठीक है। तो स्पिन अलाउड होगा, ये वाला स्पिन फॉरबिडन है। तो जो हमारे स्पिन अलाउड होंगे वो उनकी जो इंटेंसिटी कलर की वो क्या होगी ज़्यादा होगी, और जो हमारे स्पिन अलाउड नहीं होंगी उनकी जो इंटेंसिटी वो क्या होगी कम होगी, ठीक है। तो अब एक और एग्जाम्पल लूँ मैं, अब हमारा क्या होता है एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल ये है हमारे पास कि MnH2O6 MnH2O का होल सिक्स टू पॉजिटिव, इसकी बात करते हैं, और MnO42 नेगेटिव, O4 नेगेटिव की बात करते हैं, MnO4 नेगेटिव की बात करते हैं, ठीक है। तो MnH2O का सिक्स अभी पढ़ा हमने, Mn में कितना 3d5 4H2, तो यहाँ पे Mn2 पॉजिटिव स्टेट में है, तो यहाँ पे 3d5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3d5। तो 3d5 का मतलब होगा यहाँ पे कि ये वन टू थ्री फोर और फाइव, तो ये हो गया हमारे पास फाइव, ठीक है। तो जब यहाँ पे ट्रांजिशन होगी, ट्रांजिशन कैसी होगी, तो ट्रांजिशन होगी हमारे पास इसके ट्रांजिशन, ये इलेक्ट्रॉन जाएगा यहाँ ये वाला, तो वन टू वन टू, यस पहले था यहाँ पे, तो ये इलेक्ट्रॉन आप यहाँ ये वाला इलेक्ट्रॉन कर जाएगा यहाँ पे चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हमने पढ़ा था कि डेल एस डज नॉट इक्वल टू यहाँ पे जीरो होता है, ठीक है। और जो हमारे पास क्या होगा डेल एस डज नॉट इक्वल टू जीरो तो है, लेकिन डेल एल की वैल्यू क्या है यहाँ पर, डेल एल की वैल्यू क्या है, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जा रहा है, डी से डी में ही जा रहा है, डेल एल की वैल्यू जीरो है, तो हमारा ये स्पिन को भी फॉलो नहीं कर रहा है, स्पिन सेलेक्शन रूल को भी फॉलो नहीं कर रहा है, मतलब स्पिन फॉरबिडन है, और लैपोर्टे को भी फॉलो नहीं कर रहा है, लैपोर्टो को भी फॉलो नहीं कर रहा है, तो मतलब लैपोर्टे फॉरबिडन है यहाँ पर, लैपोर्टे फॉरबिडन भी है, स्पिन फॉरबिडन भी है। तो इसकी जो कलर की इंटेंसिटी होगी बहुत ही ज़्यादा कम होगी, ये ध्यान रखना, ठीक है। और MnO4 नेगेटिव है यहाँ पर, तो एक चीज़ ध्यान रखना, इसी में इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम यहीं पर पढ़ लेते हैं, ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, बाकी जो हमारे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आएंगे और प्रैक्टिस क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन सीरीज में हमने अच्छे से करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन सीरीज को अच्छे से देखेगा वो, मैं आपके जैसे ही आपका टर्म सिंबल वगैरह ऑर्गर डायग्राम खत्म हो जाएगा उसके बाद मैं क्वेश्चन सीरीज की वीडियो निकालूंगा, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले, क्योंकि उसमें मैं 30-40 क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर कराने वाला हूं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहां पे देखिए ये होगा हमारे पास, ठीक है, यहाँ पे स्पिन फॉरवर्डन है, यहाँ पे लैपोर्टे फॉरवर्डन भी है, ठीक है। तो यहाँ पे डी से डी में जा रही है, क्या जा रहा है हमारा, डी से डी में ही हमारे इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो इसको बोलते हैं डी डी ट्रांजिशन, इसको बोलते हैं डी डी ट्रांजिशन, इतना ध्यान रखना, ठीक है। तो डी डी ट्रांजिशन का मतलब जब डी से ही डी में इलेक्ट्रॉन जाएंगे स्पेक्ट्रा होगा तो उसको बोलते हैं डी डी ट्रांजिशन, ठीक है। MnO4 नेगेटिव क्या होता है हमारे पास, MnO4 नेगेटिव का मतलब यहाँ पे Mn होता है प्लस 7 ऑक्सीजन स्टेट में, जो Mn होता है हमारे पास क्या प्लस 7 ऑक्सीजन स्टेट में होता है, ठीक है। तो प्लस 7 का मतलब 3d5 और 4h2 इसमें होते हैं, तो 5 और 2 7, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन निकल गया, मतलब 3D क्या हो गया इसका, वैकेंट। और यहाँ पे ऑक्सीजन पे क्या पास क्या होता है, 2p ऑर्बिटल, ये आपको पता है। ऑक्सीजन पे क्या पास क्या होता है, 2p ऑर्बिटल, तो ऑक्सीजन यहाँ पे फुल फिल है। तो यहाँ पे यह करता है जो ऑक्सीजन का जो p और p ऑर्बिटल है वहाँ से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं, डी में जाते हैं। पी ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं, डी में जाते हैं, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। तो इससे क्या होगा, तो इसको बोलते हैं हम चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, इसको क्या बोलते हैं हम चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। तो ये दूसरा टाइप है हमारे पास क्या, इसका इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा का, इसको बोलते हैं चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। एक तो हो गया हमारा डिजिटाइजेशन क्या होता है, इसको बोलते हैं चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। तो चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा का मतलब जब एक एटम से दूसरे एटम के पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, तो उसको बोलते हैं हम चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, ठीक है, इतना ध्यान रखना। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के 2p ऑर्बिटल से 3d ऑर्बिटल में यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए p से d में जा रहे हैं, मतलब डेल एल की वैल्यू क्या है, डेल एल की वैल्यू है क्या, पी पी के लिए वैल्यू होती है कितनी, 1 इक्वल होती है 2, 2 माइनस 1 1, तो डेल एल 1 है, तो इसका मतलब लेपोर्टे भी अलाउड है हमारा, ठीक है। और यहाँ पर जो इसकी स्पिन है और इसकी स्पिन क्या होती है, यहाँ पे डेल एस की जो वैल्यू होती है वो जीरो होती है, डेल एस यहाँ पे क्या होता है, जीरो होता है, ये ध्यान रखना आप, डेल एस यहाँ पे क्या होता है, जीरो होता है, क्योंकि इसकी स्पिन और इसकी स्पिन सेम होगी, इसकी स्पिन भी हाफ होती है, इसकी स्पिन यहाँ पे भी हाफ होती है, ठीक है, स्पिन चेंज नहीं होती है। तो यहाँ पर डेल एस की वैल्यू जीरो होती है, तो ये स्पिन क्या होता है, स्पिन अलाउड होता है, स्पिन अलाउड भी होगा और हर चीज़ ये होता है, इस वजह से हमारा क्या होगा, इस वजह से हमारा होता है डेल एल की वैल्यू +1, डेल एस जीरो, दोनों रूल ये फॉलो करता है। इस वजह से इसकी जो इंटेंसिटी होती है बहुत ज़्यादा होती है, तो ये क्या होता है, वेरी इंटेंस, ये होता है क्या हमारा, वेरी इंटेंस, बहुत ही ज़्यादा इंटेंस होता है, ठीक है, इंटेंस होता है, इतनी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए, ये बहुत ही ज़्यादा इंटेंस होता है। और ये हमारे पास क्या होगा, इसकी इंटेंसिटी बहुत ही कम होगी, ठीक। तो अगर आपके, अगर एक कंडीशन ऐसी है, अगर आपके पास क्या है, अगर कोई एक ऐसी कंडीशन दे रखी है कि जहाँ पे क्या है, एक जगह लेपोर्टे अलाउड है, एक जगह लेपोर्टे फॉरबिडन है, एक जगह लेपोर्टे क्या है, फॉरबिडन है, एक हमारे पास लेपोर्टे अलाउड है, एक लेपोर्टे फॉरबिडन है, और यहाँ पे हमारा स्पिन क्या है, फॉरबिडन है और स्पिन अलाउड है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ, एक कंपाउंड हमारा ऐसा है, एक कॉम्प्लेक्स हमारा ऐसा है जिसमें लेपोर्टे अलाउड है, एक कॉम्प्लेक्स हमारा जिसमें स्पिन अलाउड है, तो वहाँ पर किसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, तो हमेशा यह ध्यान रखना, जो स्पिन अलाउड वाले ट्रांजिशन रहते हैं उनकी इंटेंसिटी हमेशा ज़्यादा होती है लेपोर्टे अलाउड वाले से, किससे, लेपोर्टे अलाउड वाले से। तो इसी से हमें यह पता चलता है कि यहाँ पर इसकी इंटेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, तो ये हमारा स्पिन अलाउड ट्रांजिशन डोमिनेट करता है लेपोर्टे अलाउड ट्रांजिशन को, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इंटेंसिटी का डिफरेंस समझ में आ गया होगा, कहाँ पे इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, कहाँ पे इंटेंसिटी कम होगी, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा क्या होता है, डी डी ट्रांजिशन क्या होता है, ठीक है। तो ये आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, टर्म सिंबल का थोड़ा आइडिया ले लेते हैं, उसके बाद जो नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा हमारे पास उसमें टर्म सिंबल को बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देख रहे हैं माइक्रोस्ट्रिप्स, माइक्रोस्ट्रिप्स क्या होती है हमारे पास, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टर्म सिंबल माइक्रोस्ट्रिप्स से यहाँ से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन हमको पूरा का पूरा बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है कि हमारा जो CSI नेट हो और IIT जैम हो, एक भी क्वेश्चन गलत ना हो, जिससे हमारा जो रैंक हो बहुत अच्छी आ जाए, ठीक है। तो माइक्रोस्टेट क्या बोलते हैं, हमारा माइक्रोस्टेट क्या होता है हमारे पास, द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पार्शियली फिल्ड सब सेल। तो मतलब इसका मतलब क्या, हमारे पास अगर मैं ये बात करूँ, अगर मैं पी ऑर्बिटल की बात करूँ, किसके ऑर्बिटल की बात करूँ, पी ऑर्बिटल की बात करूँ, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, तो एक इलेक्ट्रॉन ऐसा भी रहा जा सकता है, एक इलेक्ट्रॉन हमारा क्या होता है ऐसे भी रहा जा सकता है, एक इलेक्ट्रॉन हमारा क्या है ऐसे भी रहा जा सकता है, मतलब इलेक्ट्रॉन की जो अरेंजमेंट होती है किसी पार्शियली फिल्ड सबसेल में कितने टाइप की अरेंजमेंट हो सकती है, तो उनको बोलते हैं हम क्या, माइक्रोस्टेट, इतना ध्यान रखना, उनको बोलते हैं हम क्या, माइक्रोस्टेट। बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा कि कितने टाइप के माइक्रोस्टेट हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इसकी बात करूँ मैं टोटल, तो यहाँ पर ये इसकी जो ऐसे भी रह सकता है, ये इसकी स्पिन ऐसे बदल भी सकती है, यहाँ पे ये क्या बस बन सकता है ऐसे भी रह सकता है, और ये बिल्कुल ऐसा भी रह सकता है, ठीक है। तो इन टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 टाइप से जो पी में अगर एक इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, तो वो ऐसा टाइप के रह सकता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं माइक्रोस्टेट, ठीक है। तो माइक्रोस्टेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट इक्वल टू होता है नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट का फॉर्मूला क्या होता है, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर और एन माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये होता है एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल एन माइनस इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है। अब इसमें एन क्या है भाई, तो एन होता है हमारे पास कि एन होता है हमारा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो एन होता है हमारे पास टोटल मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब सेल,
ठीक है। अगर मैं बात करूं पी की, बात करूं अगर, तो पी में टोटल मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं सबसेल में, तो 6 होते हैं। तो पी के लिए एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6। एस के लिए आ जाएगी कितनी होती है, एस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो वो आते हैं एन, ये बात करते हैं। आर होता है हमारे पास गिवन इलेक्ट्रॉन, जैसे यहाँ पे गिवन इलेक्ट्रॉन कितना था, 1, तो आर आर होता है हमारे पास गिवन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आप। तो ऐसे में हम क्या निकालते हैं, माइक्रोस्ट्रक्चर निकालते हैं। तो चलिए दो तीन एग्जाम्पल हम करते हैं बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। तो अगर हम P1 की बात करें, सबसे पहले किसकी बात करें, P1 की बात करें कि P1 में कितने माइक्रोस्टेट होंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं किसमें, P1 में हमारे पास कितने माइक्रोस्टेट होंगे हमारे पास, ठीक। तो P1 के लिए हमारे पास क्या है, वही फॉर्मूला, एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है। यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास, एन की वैल्यू 6, टोटल 6 होते हैं, तो 6 फैक्टोरियल आ गया, अपॉन आर की वैल्यू कितनी है, गिवन कितना, 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 फैक्टोरियल और 6 माइनस 1 हमारे पास इसका फैक्टोरियल इनटू है यहाँ पे, ठीक है। तो हमारे पास ये देखिए 6 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, हमारे पास फैक्टोरियल क्या मतलब, एक चीज़ ध्यान, फैक्टोरियल कैसे कैसे निकालते हैं, फैक्टोरियल का मतलब होता है 6 फैक्टोरियल, तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू इंटू 1, यहाँ तक होता है हमारे पास, ठीक है। एक चीज़ ये ध्यान रखना, फैक्टोरियल का मतलब उससे पहले जितने भी होते हैं हमारे पास 1 तक, वो होते हैं हमारे पास, ठीक, उनका इंटू कर देना है। तो 6 फैक्टोरियल का हम ऐसे लिख सकते हैं, 6 इंटू 5 फैक्टोरियल लिख सकते हैं ना, वैसे 6 इंटू 5 फैक्टोरियल का मतलब ये हो जाएगा, ठीक है। 1 फैक्टोरियल हमेशा 1 फैक्टोरियल मतलब 1 इंटू, उसके बाद कुछ है ही नहीं, 1 ही है लास्ट, 1 ही आता है, इसका वैल्यू 1 ही आती है। इंटू 6 माइनस 1 मतलब 5 फैक्टोरियल, इतना आगे समझ में आ गई, 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कटा, 6 अपॉन 1 क्या होता है, 6। तो P1 की जो टोटल माइक्रोस्टेट होगी कितनी होगी, 6, मतलब है 6 टाइप से रह सकता है हमारे पास, यहाँ पे जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो 6 टाइप से रह सकते हैं, अभी हमने देख लिया था कैसे कैसे रहेंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है हमारे पास 6, ठीक है। अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट, अगर मैं बात करूँ हमारे पास क्या है नेक्स्ट, अगर मैं बात करूँ S1P1, इसमें निकालना हमने कि टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट कितने होंगे, ठीक है। तो S1P1, तो सबसे पहले S1 में देखते हैं, S1 में मतलब टोटल कितने होते हैं, 2 होते हैं, गिवन कितने हैं, 1 फैक्टोरियल, ठीक है, और मतलब n माइनस आर मतलब 2 माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है। इनटू P1 है, तो P1 क्या हो जाएगा, P1 में टोटल कितना, 6 फैक्टोरियल, 1 मतलब 1 फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा 6 माइनस 1 फैक्टोरियल, कोई दिक्कत तो इसमें नहीं है। तो 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 इंटू 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, 2 माइनस 1 और 1 फैक्टोरियल, 1 आ जाएगा, 2 इंटू 1, यहाँ पे अभी हमने निकाला इसकी वैल्यू कितनी, 6, तो 6 टू जा 12। तो हमारे पास S1P1 जो है हमारे पास, ये हमारे पास 12 टाइप से रह सकते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन टोटल इलेक्ट्रॉन कितने, 12 टाइप से रह सकते हैं, तो इसको बोलते हैं नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट, ठीक है। तो माइक्रोस्टेट आपको निकालनी आनी चाहिए, ठीक। अब आता है आपका टर्म, टर्म क्या होते हैं हमारे पास, तो टर्म सिंबल क्या होता है हमारे पास, टर्म सिंबल के लिए फॉर्मूला होता है 2s + 1 L और G, ये इसके लिए फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो इसको अच्छे से हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे टर्म सिंबल को। इससे पहले मैं बता दूं टर्म सिंबल होता क्या है, जो तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट निकली थी हमारे पास, जैसे किसी में 12 निकली, किसी में कुछ, तो टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट तो निकल गई हमारे पास। तो जैसे ही हमारे पास टर्म निकलेंगी, तो टर्म हमारे पास, ध्यान रखना, अगर एल की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये होती है, तो इसके लिए जो टर्म होती है हमारे पास, S, कैपिटल S होता है, जैसे SPDF सबसेल होता है ना स्मॉल में, यहाँ पे कैपिटल होता है, तो SPDFGHI ये होता है हमारे पास। L की वैल्यू अगर ये है, तो ये होती है हमारे पास टर्म, ठीक है। तो टर्म ये होती है हमारा टोटल नंबर ऑफ, इस जैसे माइक्रोस्टेट आ गई हमारे पास, माना अगर किया किसके लिए आ गई, किसी के लिए अगर 36 आ गई, टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट कितनी है हमारे पास, 36 माइक्रोस्टेट है, ठीक है। तो 36 माइक्रोस्टेट में से अगर हमारे पास टोटल टर्म निकल रही है, यहाँ पे 3s 4p टर्म निकल जाती है, इसके लिए हमने क्या निकालनी है, टर्म निकालनी पड़ती है, ठीक है। टर्म निकाल दी हमने, तो यहाँ पे 36 में से कितने हमारे पास माइक्रोस्टेट ऐसे हैं जिनकी एनर्जी इतनी है, और कितने हमारे पास जिनकी एनर्जी इतनी है, मतलब जो हमारे इस टर्म में रह रहे हैं, और कितने हमारे पास इस टर्म में रह रहे हैं, ठीक है। तो जो टर्म हमारे पास होता क्या है हमारे पास, कि टर्म हमारे पास क्या होता है हमारे पास, कि टर्म सिंबल रिप्रेजेंट ग्रुप ऑफ माइक्रोस्टेट ऑफ सेम एनर्जी। तो हमारे पास ये ग्रुप ऑफ कितने हमारा माइक्रोस्टेट है जिनकी एनर्जी सेम है हमारे पास, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो इतनी आपको बात समझ में आ गई होगी, तो 2s + 1 LJ ये क्या होता है, ठीक है, LS कपलिंग, JJ कपलिंग क्या होती है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर कोई भी डाउट हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। धन्यवाद।